कितनी सजा दिलवाओगे आप? और कौन है ये विष्णु? कौन लाया कहीं हिरण लाया कहाँ से था? कौन लाया था? उधर फिल्मी दुनिया वालों ने करवाया काम। समाज पूजा करता है आज, ऐसे मतलब सबकी पूजा करता। गाय को क्यों काटते हो? गाय को भी तो माँ कहते हो, गाय को भी तो माँ कहते हो, उसको क्यों काटते हो, उसको क्यों छोड़ देते हो? अरे उसको बैल को बाप नहीं कहते, गाय को माँ कहते हैं। बैल को भी कहते हैं कि भाई अगर बैल जो है वो खेत में अगर सिंचाई करता है तो वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे पिता बेटों के लिए सिंचाई। लोगों ने जब कहा ना तो कहने लगे वो ये जो वो दिखा रहे हैं ना हरामीपन। एक मोदी बैठा है, एक योगी बैठा, सब बाप बैठे हुए ही है। वो समझ रहा हम बाप है, बाप कोई नहीं है। सलमान को माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्यों नहीं मांगेगा माफी? किस बात की माफी मांगेगा सलमान खान? किस बात की माफी मांगे? गुनाह नहीं किया? नहीं, कोई गुनाह नहीं करा। मेरी नजरों में तो कोई गुनाह नहीं है, और मैं पब्लिक से भी कहलवा दूँ कि कोई गुनाह नहीं है। सब चीजों की पूजा, अरे वहाँ पर आकर के आप हिरण का शिकार करेंगे तो बोले गलत है। सब चीजों की पूजा करते हो फिर क्यों उसे मट्टी में डाल देते हो? भगवान की भी तो पूजा करते हो, उन पर भी पेशाब डाल देते हो नालियों में, पेशाब बूतते हो उस पर लोग पर, उसे भी तो तुम भगवान मानते हो मट्टी के, उनको क्यों डालते हो? उन्हें भी तो संभाल के रखो। मतलब एक बार क्यों मांगेगा माफी? माफी नहीं मांगने का वो। बेटा ये कह रहे कि माफी मांग लो भाई, जान जान है तो जहान है। नहीं मांगेगा माफी वो, क्यों मांगेगा? क्या मुसलमान ही रहेगा माफी मांगने के लिए? अगर हिंदुओं से कोई काम होता वो तो माफी नहीं मांगते। अब इतने इतने बड़े कांड करे हो, औरतों ने हमारे हुजूर को क्या कहा? खाया गलत बोला, औरतों ने बोला, आदमियों ने बोला, वो पंडित बैठा तो वहाँ पे आज जेल में, बोले उससे माफी क्यों नहीं मंगा रहे? उससे माफी मंगवाओ ना। माफी मांगनी चाहिए क्या? नहीं नहीं, काहे की माफी? जब इतना परेशान कर दिया, जेल में रह चुका था, अब काहे की माफी? अगर सलमान खान अभी बीजेपी में चले जाए ना तो वो बीजेपी वाले कहेंगे कि हिरण ने खुदकुशी कर ली थी। हा, 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 क्या बात है। आज अगर बीजेपी में चले आए सलमान खान तो उसको कहेंगे उनने हिरण ने खुदकुशी करी थी, वो खुद ही आ गया था उसके पास कि मुझे मार दे। तो भाई ये तो सारी सियासत प्यासत उल्टी सीधी। आदमी एक जानवर मर गया, इंसान इतने मर रहे हैं, उनकी तो कोई कदर नहीं, इंसान की कदर नहीं है? इतनी तो मदद करता है वो, इतनी दुआएं उसके साथ में, सलमान खान के साथ में, तो ऐसे कैसे मार देगा वो? और उनने बिगाड़ा क्या? उनने उसका काला हिरण मारा है, काला हिरण मारा तो एक बार बताओ बतेरी सजा मिल गई उसको? काले हिरण के कितनी सजा दिलवाओगे? कितनी सजा दिलवाओगे आप? और कौन है ये विष्णु? कौन लाया कहीं हिरण लाया कहाँ से था? कौन लाया था? उधर फिल्मी दुनिया वालों ने करवाया काम। समाज पूजा करता है आज, ऐसे मतलब सबकी पूजा करता। गाय को क्यों काटते हो? गाय को भी तो माँ कहते हो, गाय को भी तो माँ कहते हो, उसको क्यों काटते हो, उसको क्यों छोड़ देते हो? अरे उसको बैल को बाप नहीं कहते, गाय को माँ कहते हैं। बैल को भी कहते हैं कि भाई अगर बैल जो है वो खेत में अगर सिंचाई करता है तो वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे पिता बेटों के लिए सिंचाई। लोगों ने जब कहा ना तो कहने लगे वो ये जो वो दिखा रहे हैं ना हरामीपन। एक मोदी बैठा है, एक योगी बैठा, सब बाप बैठे हुए ही है। वो समझ रहा हम बाप है, बाप कोई नहीं है, बाप तो वही ऊपर वाला ही सबका। अभी सलमान को माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्यों नहीं मांगेगा माफी? किस बात की माफी मांगेगा सलमान खान? किस बात की माफी मांगे? गुनाह नहीं किया? नहीं, कोई गुनाह नहीं करा। मेरी नजरों में तो कोई गुनाह नहीं है, और मैं पब्लिक से भी कहलवा दूँ कि कोई गुनाह नहीं है। विष्णु समाज कहता है कि हम जो है प्रकृति प्रेमी, हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम जो है हिरणों की पूजा करते हैं, सब चीजों की पूजा। अरे वहाँ पर आकर के आप हिरण का शिकार करेंगे तो बोले गलत है। सब चीजों की पूजा करते हो फिर क्यों उसे मट्टी में डाल देते हो? भगवान की भी तो पूजा करते हो, उन पर भी पेशाब डाल देते हो नालियों में, पेशाब बूतते हो उस पर लोग पर, उसे भी तो तुम भगवान मानते हो मट्टी के, उनको क्यों डालते हो? उन्हें भी तो संभाल के रखो। मतलब एक बार क्यों मांगेगा माफी? माफी नहीं मांगने का वो। कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने को कोई जरूरत नहीं है। सजा बतेरी काट ली उसने। अभी बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है, सलमान को धमकियां मिल रही है। बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ तो धोखे से तो हर एक किसी को मरवा गया वो, मगर सलमान खान को अगर मारेगा तो सलमान खान के साथ पब्लिक बहुत है, ये ध्यान रखना आप। हाँ, फाइव टाइगर किसी और की जरूरत नहीं है। सबसे पहले संजय दत्त खड़ा उसके साथ में, उससे सुनो तुम, सबसे पहले संजय दत्त खड़ा उसके साथ में। अभी कोई सामने तो नहीं आ रहा है, जब से लॉरेंस ने धमकी दी है सब तो चुप बैठे हैं। कौन बेटा ये कह रहे हैं कि माफी मांग लो भाई, जान जान है तो जहान है। नहीं मांगेगा माफी वो, क्यों मांगेगा? क्या मुसलमान ही रहेगा माफी मांगने के लिए? अगर हिंदुओं से कोई काम होता वो तो माफी नहीं मांगते। अब इतने इतने बड़े कांड करे हो, औरतों ने हमारे हुजूर को क्या कहा? खाया गलत बोला, औरतों ने बोला, आदमियों ने बोला, वो पंडित बैठा तो वहाँ पे आज जेल में, बोले उससे माफी क्यों नहीं मंगा रहे? उससे माफी मंगवाओ ना, पहले उससे माफी मंगवा लो। जाओ सलमान खान से, हम माफी मंगवा देंगे। नहीं मांगे? नहीं, हम ये तय है, पहले उससे पंडित से माफी मंगवा लो, फिर हम सलमान खान। कौन से पंडित से कह रहे हो? वो जो अभी अभी हमने हमारे हुजूर की शान में जो खिलाफत करी है,
अगर जो करी नहीं करी उससे माफी मंगवा लो पहले आप, सबको छोड़ दो, जाओ। टाइगर अभी जिंदा है और फाइव टाइगर पांचवी फिल्म बनेगी टाइगर की अभी फाइव। हाँ सच्चा क्या नाम है आपका? वकार। ये सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसको धमकी दे रहा है, माफी मांगनी चाहिए सलमान खान को? नहीं मांगनी चाहिए। काले हिरण का शिकार किया था सलमान खान ने 1998 में, माफी मांगनी चाहिए क्या? नहीं, काहे की माफी, जब इतना परेशान कर दिया, जेल में रह चुका था, काहे की माफी? कह रहे भाई समाज का दिल दुखा है भाई, आपने उस हिरण का शिकार, समाज का दिल नहीं दुख रहा, इतना सारा इंसान मर रहा है, उससे नहीं दुख रहा किसी का दिल भाई, इतना इंसान दसियों केस हो जाते हैं यार, कोई एक थोड़ी, हाँ और क्या, दसियों केस हो जाते हैं, कोई करने वाला है कोई? अब ये घर में जब कोई कैच होता है, बच्चे को फंसा हुआ होता है जानवर के, तो आप उसको जानवर को, कोई टाइगर वाइगर नहीं होता। यहाँ कह रहे भाई बिश्नोई समाज जोधपुर में जो उस काले हिरण की पूजा करता है, वहाँ संरक्षण के लिए काम भी करता है, कह रहे वहाँ जाके आप उनके ही वहाँ जाके उसी हिरण का शिकार कर देंगे और फिर कहेंगे कि भाई माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो ये तो कह रहे फिर तो आप एक तरीके से वो दिखा रहे कि मैं सलमान खान हूँ भाई, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पैसा है मेरे पास, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, समाज की भावना है भाड़ में जाए, मेरे पास पैसा है, मैं सेलिब्रिटी हूँ, तो वो वाली बात हो गई। कल को तो फिर तो कोई भी किसी की सम्मान सिर्फ पैसे के बलबूते पे क्या देगा कि अरे भाई मैं तो भाई मेरे पास पावर है, पैसा है, मैं तो क्यों किसी से माफ़ी मांगू, क्यों किसी का सम्मान करूं? सलमान खान का कमाया हुआ अपना है, उसके पास शोहरत है, इज्जत है और उसके पास पैसा है, वो कोई मुजरिम नहीं है। अगर क्या नाम है जो है एक गुंडा आन के और क्या नाम है ऐसी ऐसी हरकतें करेगा तो एक शरीफ आदमी भी जो है निकल के बाहर आता है। अच्छा अभी तो कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई को कह रहे भाई इतना बड़ा गैंगस्टर है कि जेल के अंदर से ही सब कुछ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवा दिया, कनाडा में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई साहब आपके जो ये लॉरेंस बिश्नोई है वहाँ मर्डर करवा रहे हैं, तो इतना बड़ा उसके तो वैसे भी दुश्मन हो रहे हैं बहुत सारे सलमान खान के, वैसे भी दुश्मन हो रहे हैं बेचारे, ऊपर से तो दोस्त भी साथ नहीं आ रहे ना, बस ये नहीं आ रहे तो अब क्या नहीं हो रहा, मतलब अब क्यों मसला ही नहीं हो पा रहा, डर का माहौल लॉरेंस बिश्नोई ने बनाया है। हाँ डर का माहौल, खौफ का माहौल बनाया है लॉरेंस, नहीं ऐसा कुछ नहीं कर रहा उसने। आपको क्या लगता है माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? मांगनी चाहिए नहीं, माफ़ी काहे की मांगे, वो नहीं मांगे माफ़ी, बिल्कुल भी नहीं मांगे। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अकरम। ये मोहम्मद जी क्या नाम? मोहम्मद अकरम। अकरम भाई आपको पता सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिल रही है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से? मैंने नहीं सुना जी। अच्छा उन्होंने काले हिरण का शिकार किया था 1998 में एक पिक्चर के दौरान, तो वो हिरण का शिकार जहाँ किया था वो जोधपुर शहर था और वहाँ एक बिश्नोई समाज है 20 और 9, यानी कि 20 और 9 29 नियमों को मानने वाला समाज है जो काले हिरण की पूजा करता है, उसको अपने घर में भी रखता है, उसका शिकार सलमान खान ने किया था, तो वो समाज कह रहा है कि माफ़ी मांग लो सलमान खान नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, माफ़ी मांगनी चाहिए? नहीं माफ़ी इसके बारे में तो मुझे पता नहीं ना उसका, इंसानियत के तौर पर क्या लगता है भाई? कह रहे भाई माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी? अगर सलमान खान अभी बीजेपी में चले जाए ना तो वो बीजेपी वाले कहेंगे कि हिरण ने खुदकशी कर ली थी। क्या बात है, आज अगर बीजेपी में चले आए सलमान खान तो उसको कहेंगे उनने हिरण ने खुदकशी करी थी, वो खुद ही आ गया था उसके पास कि मुझे मार दे। तो भाई ये तो सारी सियासत प्यासत उल्टी सीधी, आदमी एक जानवर मर गया, इंसान इतने मर रहे हैं, उनकी तो कोई कदर नहीं, इंसान की कदर नहीं है, कोई जानवर मर जाए उसकी कदर है, अब उसके लिए तो उसकी तो बहुत सारी दफ़ा वो जेल में रही आया, कितनी दफ़ा और कितने दिन की सज़ा हो सकती है उसको, कितनी दफ़ा तो रही आया वो, तो माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? माफ़ी अब नहीं मांगनी चाहिए जब उनने सज़ा भुगत ली है। अरे यार जान बच जाएगी तो बढ़िया है ना, फिल्मों की शूटिंग नहीं कर पा रहे हैं, फिल्में कैंसिल हो रही हैं, क्या हो रहा है? अगर विष्णु की इतनी पहुँच है तो उसको ही मार दे, वो मार के तो देखो उसको, उसको भी मार के देख ले, जैसे बाबा सिद्दीकी को मारा है उसको भी मार रहे हैं। कुछ लोग जो है लॉरेंस बिश्नोई को भी धमकी दे रहे हैं कि 1 करोड़ का इनाम रखा है लॉरेंस बिश्नोई को जो मार के लाएगा, किस कौन कह रहा है? कुछ बाकी लोग जो है वो लॉरेंस बिश्नोई को कह रहे हैं कि 1 करोड़ का लॉरेंस बिश्नोई को मारने के लिए 1 करोड़ का इनाम की बात है। सलमान खान सरकार को टैक्स देता है, उसकी हिफाजत सरकार करेगी, मोदी के लिए ये जो है एक मच्छर के बराबर भी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी मोदी की है, मोदी सरकार की। सिद्दीकी के बारे में भी तो भाई सरकारी को टैक्स दे ही रहे थे, वो भी टैक्स दे रहा है ना, तो सरकार आप सर नहीं दे रहे ना टैक्स, वो तो पहले दे रहे थे, अब कहाँ टैक्स, बाबा सिद्दीकी अब कहाँ टैक्स दे रहे, तो मोदी ये तो देता है टैक्स, ये तो अभी दे रहा है ना, दे रहा है ना, तो टैक्स देने वाले की हिफाजत कौन करेगा?
टैक्स देने वाले की हिफाजत जो है कौन करेगा? सरकार करेगी। आपको भी पता है, मुझको भी पता है, इनको भी पता है कि ये जो है सरकार की जिम्मेदारी है। अब सरकार कौन है जी? मोदी, चलो मोदी है, हम सरकार मानते हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री है, सेलिब्रिटी है। अब जो मूवी आने वाली थी वो पोस्टपोन्ड हो रही है। मोदी के लिए मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। सरकार का अब वक्त है, ये इसको सरकार को अब दिखाना है कि देखो हमारी ताकत क्या है, तो करके दिखाओ। आपको दिखाना चाहिए कि नंबर एक आदमी आपको टैक्स देता है। अच्छा, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई लगती है? देखो जी, टारगेट तो ये जो है, मुसलमान हो चाहे नहीं हो, सवाल ही आ रही है, ये तो दुनिया में चल रही है, ये तो सिस्टम बना हुआ है, ये तो राजनीति अगर नहीं करे, अगर आपको कहने में जो है दुनिया का तख्ता पलटना है तो आप जो है मुसलमानों पर सीधा आ जाइए, इससे बेहतरीन कोई नहीं है। जो अंग्रेज़ों ने भी यही करा था, अंग्रेज़ों ने भी हुकूमत करी कि लड़वाते रहो और हुकूमत करते रहो, ठीक है जी, ना आप बोलेंगे ना आप बोलेंगे। आज ना महंगाई है ना पहंगाई है, कुछ नहीं है, आज जो है कुछ भी नहीं है, सबसे ज़्यादा गरीब मरी है और वो बोलता नहीं है।